अप्रैल 20, 2023 गुरुवार पास्का का दूसरा सप्ताह पहला पाठ प्रेरित चरित 5:27-33। उन्होंने प्रेरितों को लाकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधानयाजक ने उनसे कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मरना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने ये उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने ईसा को क्रूस के काट पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया है, जिससे वह उनके द्वारा इसराइल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। सुसमाचार योहन 3:31-36। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है, उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वही ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वही ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। मनन चिंतन, सत्य को कोई छिपा नहीं सकता और न उसे पराजित कर सकता। सत्य तो सत्य है और सदा सत्य बना रहेगा। प्रधानयाजक एवं महासभा के कुछ लोगों ने प्रेरितों को आदेश दिया कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु का नाम लेकर शिक्षा न दे, लेकिन उन्होंने उसके विपरीत किया। वे सारे यरूशलेम के कोने कोने में जाकर प्रभु की शिक्षा का प्रचार किया। प्रेरित लोग निर्णय होकर अपने कार्य में आगे बढ़ रहे थे। वे मनुष्य की नहीं बल्कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। ईश्वर सत्य है, हमें सत्य को स्वीकार करना है। सत्य ये है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेजा है और जो उसके पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हम जीवन की प्राप्ति के लिए कई प्रयत्न करते हैं। सच्चा जीवन हमें केवल यीशु के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्या हम सत्य को पहचानते हैं? आइए हम सत्य को स्वीकार करें।